समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे गुफ्तगू करूं, इसलिए मैं बहुत सारे उलमा को अपनी बस में बैठा हुआ देख रहा हूं, बहुत से अहले मुताले अफराद भी बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सी गुजारिशात मुझसे की गई हैं, कुछ फरमाइशात मुझसे रखी गई हैं, उन तमाम मतालिब को भी बयान करना है और खुद मुझे भी कुछ चीज़ें अर्ज करना है। कोशिश करता हूँ अगर मैं इनको जो मुझे मुख्तसर सबक दिया गया है उसमें जमा कर सका। इरशादे बारी ताला हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बिस्मिल्लाह से लेकर इस कलमे अलिफ लाम मीम तक अगर बहस की जाए तो एक बहुत लंबी बहस है। उदे इस अलिफ लाम मीम की जब वजाहत और तौज़ीह की जाए कि ये क्या है, इसमें कितने रुमूज पोशीदा हैं, आखिर परवरदिगार ने इस नौयत से कलाम क्यों किया है, इस बहस से गुरेज करते हुए मैं आगे की चंद आयतों पर अपने टूटे फूटे अल्फाज के जरिए से बहस करना चाहता हूँ। इरशाद हो रहा है, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अच्छा, मुत्तकी कौन लोग हैं? इरशाद हुआ, अल्लदीना यूमिनूना बिल गैब। देखिए, परवरदिगार आलम ने मुत्तकियों की सिफत खुद बयान की है कि जिन लोगों को मैं मुत्तकी मानता हूँ वो कौन लोग हैं। क्या इरशाद हुआ, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अल्लदीना यूमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। और क्या करते हैं मुत्तकियों की सिफत परवरदिगार ने क्या बताई है? नमाज कायम करते हैं। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और हमने जो कुछ उनको दिया है वो क्या करते हैं? राहे खुदा में खर्च करते हैं। अगर कहीं कहीं तर्जुमा ये मिल जाए आपको कि खर्च करते हैं तो ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि तर्जुमा इस आय करीमा का ये होना चाहिए कि कुछ मुत्तकी ऐसे हैं जो राहे खुदा में खर्च करते हैं। इसलिए खर्च तो सब लोग करते हैं, लेकिन मुत्तकी वो लोग हैं जो राहे खुदा में खर्च करते हैं और सिर्फ माल खर्च नहीं करते हैं। परवरदिगार ने ये नहीं कहा है कि हमने जो उनको माल दिया है उसको खर्च करते हैं, हमने जो उसको मनसब दिया है उसको खर्च करते हैं, बल्कि परवरदिगार ने कहा है हमने जो कुछ भी उनको दिया है वो राहे खुदा में खर्च करते हैं। अगर इल्म दिया है तो राहे खुदा में खर्च करते हैं, अगर ताकत दी है तो ताकत को राहे खुदा में खर्च करते हैं, अगर सोर्स दी है तो सोर्स को राहे खुदा में खर्च करते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। सोचते हैं चंद रुपये खर्च करके कि हमने जो है वो राहे खुदा में खर्च कर दिया है। जो कुछ भी आपके पास है, अगर वक्त आपके पास है तो वक्त को राहे खुदा में खर्च करें, ये मुत्तकियों की सिफत है। अगर किसी भाई को बेहतरीन मशवरा देने की सलाहियत आपके पास है, आप उसको बता सकते हैं कि आप ये काम कीजिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, तो इसको रुए कार लाइए, उसको मशवरा दीजिए, ये क्या होगा? ये मुत्तकियों की सिफत में से एक सिफत होगा। अच्छा, परवरदिगार ने क्या कहा? परवरदिगार ने कहा मुत्तकी वो हैं कि जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, और क्या करते हैं? जो कुछ हमने दिया है उसको खर्च करते हैं, और ए हबीब जो हमने तुमसे पहले वालों पर नाजिल किया था उस पर भी ईमान रखते हैं, जो तुम पर नाजिल कर रहे हैं उस पर भी ईमान रखते हैं। देखिए, फिर से तर्जुमा कर रहा हूँ, अगर लुत्फ लेना चाहते हैं तो लीजिए। इसका मतलब यह परवरदिगार बताना चाह रहा है कि जिनको मैं मुत्तकी मानता हूँ उनकी सिफत यह है कि वो गैब पे ईमान रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो उनको दिया है वो खर्च करते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत से मुत्तकी होने का दावा करने वाले, बहुत से अपने को मुत्तकी समझने वाले ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपने को मुत्तकी तो कहते हैं मगर गैब पे ईमान नहीं रखते हैं। सलावत पढ़ दे। अल्लाह हु अकबर।
مجلس کے اقدامات ہوں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں چند ایک گزارشات درمیان میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جس سفر پہ آپ آئے ہوئے ہیں بہت سے لوگ کل نکلنے والے ہیں واپس کچھ لوگ اس کے بعد جانے والے ہیں بہت عظیم سفر پہ آپ حضرات آئے ہوئے ہیں معصوم نے ارشاد فرمایا ما من احد یوم القیامہ الا وهو يتمنى انه زار الحسین روز قیامت ہر انسان جب زائرین حسین علیہ السلام کو دیکھے گا تو ہر انسان کی ایک ہی آواز ہوگی ایک ہی تمنا ہوگی کاش میں بھی حسین کی زیارت کر لوں بہت عظیم سفر پہ عزیزو اس ترجموں کو ذہن میں دوڑا دوڑا کے سوچیے کتنا عظیم سفر آپ کو میسر ہوا ہے کتنے عظیم سعادت سے آپ مشرف ہوئے ہیں کہ جس کی روز قیامت ہر انسان تمنا کرے گا کاش میں بھی حسین کے زیارت کرنے والوں میں سے ہوتا اور اس کے بعد ایک جگہ پہ ارشاد معصوم ہے کہ اگر لوگ جان لیتے کہ حسین کی زیارت میں کیا پوشیدہ ہے تو وہ حسین کی زیارت کرنے کے شوق میں اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیتے ان کے نفس ان کے دلوں میں گھٹ کے رہ جاتے اگر جان لیتے کہ حسین کی زیارت کا ثواب کیا ہے بس عزیزوں میں کہنا یہاں پہ ان حدیثوں کے بعد یہ چاہتا ہوں کہ اتنی عظیم سعادت سے شرف یاب ہوئے ہیں ہم سب لوگ لیکن یاد رکھیے گا میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کسی چیز کا کما لینا بہت آسان ہے لیکن اس کو محفوظ رکھنا بہت سخت مشکل کام ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ذرا سی خراب چیز پوری بہت بڑی مقدار میں چیز کو خراب کر دیتی ہے میں مثال دوں کہ اگر بہت بڑے برتن میں لذیذ کھانا رکھا ہوا ہو اگر اس میں کوئی ذرا سا زہر ڈال دے تو وہ پورا کھانا برباد ہو جاتا ہے اگر کوئی اس میں ذرا سی نجاست ڈال دے تو وہ پورا کھانا برباد ہو جاتا ہے کوئی اس کو پسند نہیں کرتا ہے عزیزوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر یہ سوچ کر آئے ہیں ہم یہاں پر تجدید عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ مولا اب تک گناہ کرتے تھے ہم نے آپ کی زیارت کے ثواب میں یہ سنا تھا کہ جو بھی آپ کی زیارت کر لیتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اس دنیا میں آیا ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے کچھ ایسے عمل انجام دینے لگیں کہ جن سے یہ ہمارا تمام کا تمام سفر کرکلا ہو جائے میں واضح لفظوں میں نہیں کہہ سکتا ہوں نوجوان خاص کر میرے چھوٹے باجی بھائی اس بات کو سمجھ لیں گے میں کہنا کیا چاہتا ہوں عزیزوں یہاں آپ رہ رہے ہیں کسی بھی حوالے سے کسی کو آپ کے عمل سے تکلیف نہ ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عظیم سفر خراب ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل سے یہ ناراض ہو جائیں اور سفر کا کوئی فائدہ نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نظریں نامحرموں کو دیکھنے میں ملوث رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسم یا ہماری زبان سے کسی کو اذیت ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مقصد حسین علیہ السلام تھا وہ ہم سے فوت ہو جا رہا ہو لوگ ہمیں بیدار بھی کر رہے ہوں پھر بھی ہم نماز سے یہاں بیٹھ کے دور رہ رہے ہیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد یقیناً اتنے عظیم سفر پہ آئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر ہمارا سب کچھ بھی لے لیا جائے بس ایک مرتبہ کربلا جانے کا شرف حاصل ہو جائے لیکن اب یہاں آ گئے ہیں تو اس کی عظمت کو نہیں پہچان رہے ہیں یہ شیطان کا کام ہے کہ جو ہمیں اچھی اچھی عبادتوں سے اس طرح سے منحرف کر دیتا ہے لہٰذا خیال رکھیے گا کہ کتنی عظیم جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا خدا ناخواستہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں بس ایک یاد دہانی کرا رہا ہوں کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو ان کی دل شکنی کا سبب بن جائے کہیں ہماری آنکھیں نامحرموں کی طرف نہ اٹھ رہی ہوں کہیں ہم نامحرموں سے باتیں نہ کر رہے ہوں کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے ورنہ پھر یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ورنہ پھر اس بات پہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ زینب کا پردہ چھین لیا گیا زینب کو تڑپا دیا گیا یہ باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اگر آپ زینب کی مظلومیت پہ گریہ کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کیجئے گا یہاں آئے ہیں تو یہ سوچ کے رہیے گا
कि कोई भी अमल हमसे ऐसा ना हो जो इनकी नाराजगी का सबब बने। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले को। बहरहाल जो मुझे कहना था, जो मुझे पढ़ना था, आज की इस मजलिस में मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन चंद एक बातें अर्ज कर रहा हूँ आपके अज़हाने आलिया से मुताबिक, और उसके बाद चंद जुमले खत्म दुआ। अरशाद बारी ताला हो रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है कि जिसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, ये वो किताब है कि जिसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है। इस बात पर तमाम उम्मत मुसलमा का फैसला है कि अगर कोई कुरान मजीद पर शक करे वो दायरे इस्लाम से खारिज है, अगर कोई कुरान मजीद पे शक करे वो काफिर है। नहीं, कुरान मजीद पे नहीं, अगर कोई इसके सूरे पर शक करे वो काफिर है, कोई इसके पारों पे शक करे वो काफिर है। अगर बेदार होंगे तो मैं सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। अगर कोई इसके एक रुकू पे शक करे वो काफिर है। नहीं, हम तो कहते हैं अगर कोई इसकी आयत पे शक करे वो काफिर है। हम इससे आगे बढ़ के कहते हैं अगर कोई इसके कलेमात पे शक करे वो काफिर है। नहीं, अगर कोई इसके जेरो जबर पे शक करे वो काफिर है। जुमला अर्ज करूं, हम मौलाइयों का तो कहना यह है कि अगर कोई इसके नुक्ते पे शक करे वो काफिर है। इसलिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे दिया जाता है, जो बे के नीचे दिया जाता है। बस मैं यहाँ पे एक सवाल करूंगा और उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा और खत्म दुआ। मैं कहना चाहता हूँ मौला ये बताइए कि आपने यही क्यों कहा कि मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे दिया जाता है। तवज्जो चाह रहा हूँ मौला, अगर नुक्ते की बात है तो अरबी हुरूफ जो 29 या 28 जो भी हैं उनमें बहुत से हुरूफ हैं जो एक नुक्ते वाले हैं। मौला दूसरे हुरूफ के लिए कह दिया होता, ये कह दिया होता मैं वो नुक्ता हूँ जो जीम का होता है, मैं वो नुक्ता हूँ जो खे का होता है, मैं वो नुक्ता हूँ जो दोए का होता है, मैं वो नुक्ता हूँ जो दाद का होता है, मैं वो नुक्ता हूँ जो दाल का होता है, मैं वो नुक्ता हूँ जो जे का नुक्ता है। मौला आपने सिर्फ यही क्यों कहा मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे दिया जाता है। हमने जब गौर किया तो हमें मिला कि बे के नुक्ते और दूसरे नुक्तों में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि दूसरे नुक्ते वो हैं कि अगर उनसे नुक्तों को हटा लिया जाए तो हर्फ फिर भी बाकी रहता है। दूसरे हुरूफ की शान यह है, दूसरे हुरूफ की खासियत यह है कि अगर दूसरे हुरूफ से नुक्ते को हटा लिया जाए तो हर्फ फिर भी बाकी रहता है। अगर जीम से नुक्ता हटाएंगे तो जीम हे की शक्ल में बाकी रहेगा, अगर जाल से नुक्ता हटाएंगे तो दाल दाल की शक्ल में बाकी रहेगा, अगर जोए से नुक्ता हटाएंगे तो दोए दो की शक्ल में बाकी रहेगा, अगर नून से नुक्ता हटाएंगे तो लफ्ज बाकी रहेगा, अगर जे से नुक्ता हटाएंगे तो जे रे की शक्ल में बाकी रहेगा। तो हमारी समझ में आ गया कि दूसरे हुरूफ वो है कि अगर उनसे नुक्तों को हटा लिया जाए तो हर्फ फिर भी समझ में आता है, लेकिन बे वो नुक्ता है कि अगर बे से नुक्ते को हटा लिया जाए तो बे समझ में नहीं आता। हटा लिए जाए तो हुरूफ फिर भी बाकी रहते हैं, ये
अलग बात है किसी और शक्ल में बाकी रहते हैं, लेकिन बे का नुक्ता वो है कि अगर बे से नुक्ते को हटा लिया जाए तो बे समझ में नहीं आता। अरे मौला समझाना ये चाहते हैं, मौला बताना ये चाहते हैं कि जिस तरह से बे से अगर नुक्ता हटा लिया जाए तो बे समझ में नहीं आता। अगर अली को इस्लाम से हटा के इस्लाम समझना चाहोगे तो इस्लाम समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि इस्लाम होगा लेकिन इस्लाम समझ में नहीं आएगा। नमाज तो होगी मगर हालत रुकू में कोई सकात देने वाला नहीं होगा। रोजे तो होंगे मगर तीन दिन मुसलसल रोजे रख के मिस्कीनों असीर को खाने देने वाला सलावत पढ़ दे मोहम्मद इसलिए कि हम जिस जिस जगह को देखते हैं अगर उस जगह पर अली नहीं हो तो वो जगह काबिले तारीफ नहीं है। चाहे वो इस्लामी जंगें हों, अगर वजूद अली अलैहि सलाम ना हो तो उनका फतह होना, चाहे वो इस्लाम के मुकाबले में आने वाले बहादुरों की तारीफ हो, और जहां जहां आप सोचना चाहें, हम जहां भी इस्लामियात में जाएंगे हमें हर जगह अली अलैहि सलाम मिलेंगे। मुझे जो वक्त दिया गया था मेरा वक्त तमाम हुआ चाहता है, बस मैं ये चंद अशआर पढ़ के गुफ्तगू तमाम कर देता हूँ। आप हज़रात ने बारह सुने होंगे लेकिन मैं इसलिए इनको तकरार कर रहा हूँ कि आप इस मुबारक सरजमीन पे इनको शायद पहली मरतबा सुन रहे हों। बहुत से अफराद कम से कम ऐसे होंगे जो पहली मरतबा इन अशआर को इस जमीन पे सुन रहे होंगे, और मैं बारहा कहता हूँ कि यहाँ पर जो भी हम जिक्र कर रहे हैं वो हमारे लिए हर जगह बाइस इफ्तिखार रहेगा। इनका जिक्र मैं क्या करूँ, इनका जिक्र वो है कि जो करने के लिए कम से कम कुरान के मेयार की आयतें चाहिए, जिब्रील जैसा लहजा चाहिए। हम चाहे जो अदा करें, हम चाहे जो बयान करें, इनकी मधोसना का हक अदा नहीं हो सकता है। जो हक सना है वो अदा हो नहीं सकता, जो हक सना है वो अदा हो नहीं सकता, कुरान सा लहजा तो मेरा हो जो हक सना है वो अदा हो नहीं सकता, कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। अल्फाज भी लहजा भी तसद्दुक है तुम्हारा, अल्फाज भी लहजा भी तसद्दुक है तुम्हारा, मुझसे तो तलफ्फुज भी अदा हो नहीं सकता। जो हक सना है वो अदा हो नहीं सकता, जो हक सना है वो अदा हो नहीं सकता, कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता, अल्फाज भी लहजा भी तसद्दुक है तुम्हारा, मुझसे तो तलफ्फुज भी अदा हो नहीं सकता। तो फिर दुरुस्त ये चला सोच के गहवारे की जानिब, शब्बीर अगर चाहे तो क्या हो नहीं सकता। ये चला सोच के गहवारे की जानिब, शब्बीर अगर चाहे तो क्या हो नहीं सकता। तो इस हाथ ने की है दरे अब्बास ने बैत, कट सकता है परचम से जुदा हो। फिर ये चला सोच की चला सोच के गहवारे की जानिब, शब्बीर अगर चाहे तो क्या हो नहीं सकता। इस हाथ ने की है दरे अब्बास पे बायत, कट सकता है परचम से जुदा हो नहीं सकता। ऐ फातिमा जहरा तेरी दहलीज से हटकर, ऐ फातिमा जहरा तेरी दहलीज से हटकर, दुनिया के फकीरों का भला हो। सलावत बस इस जाने के
ختم किया सिलसिला गुफ्तगू को। आखिर में चंद एक जुमले और ख़त्म दुआ, आप इंतज़ार न करना कि मैं मसाइब पढ़ूँ तो आप गिरिया करें, इसलिए कि आप इस वक्त ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि हम जब भी अपनी आंखों को बंद करते हैं तो करबला के दर्दनाक मनाजिर हमारे जहन में घूमने लगते हैं। आज जिस करबला के नौजवान का मातम करने के लिए बैठे हैं, ये कौन कासिम है? ये वो कासिम है कि जिसके बाबा का लाशा कब्रिस्तान से बगैर दफन हुए वापस आ गया। आपने आसानी से जुमला सुन लिया, मैं फिर से दोहराऊंगा इस जुमले को, इसलिए कि अगर मैं ये जुमला पहुंचा सका तो बहुत रोएंगे, क्योंकि कायनात का बड़ा मजलूम हुसैन का भाई है हसन, हुसैन का ये भाई हसन बहुत गरीब है, बहुत मजलूम है। मैं आपसे सवाल करूं, क्या आपने अपने इलाके में, अपनी बस्ती में जहां आप रहते हैं, कभी वहां पर ऐसा देखा है कि कोई लाश कब्रिस्तान दफन होने गई हो? अगर ये तसव्वुर पहुंचा सका तो बहुत गिरिया करेंगे। क्या कभी आपने देखा है कि कोई जनाजा कब्रिस्तान दफन होने गया हो वो वापस आ गया हो? हमने कभी नहीं देखा है। अरे चाहे कितना ही गिरा हुआ इंसान क्यों ना हो, कब्रिस्तान में हर कोई कहता है आइए हम जगा देते हैं। हमने किसी जनाजे को कब्रिस्तान से वापस आता नहीं देखा है। अरे हसन का जनाजा सिर्फ बगैर दफन हुए वापस नहीं आया था, बल्कि जब वापस आया था तो सुनेंगे किस हाल में वापस आया था। अरे जब हसन का जनाजा घर में दोबारा वापस आया था तो ज़ैनब ने तड़प के कहा था भैया हसन, अरे मैंने तो तुझे सफेद कफन पहनाया था। हसन का जनाजा कब्रिस्तान से इस आलम में आया था कि हसन के जनाजे में तीर लगे हुए थे। बस इन दो जनाजों में, हुसैन और हसन में, एक फर्क ये भी है कि हसन के जनाजे में तीर थे, हुसैन का जनाजा तीरों पर मुअल्लक था। अजर अल्लाह हार बाबी अजा आज उसी हसन के लाल का मातम करने बैठे हैं। आज फरवा की कमाई का मातम करना है, वो फरवा के जो अपने वाली और वारिस का दाग देख चुकी थी आज उसका मातम करना है। मैं बहुत ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा। हाँ, मिलता है कि जब अस्हाबो यावर शहीद हो चुके और शहादतों का सिलसिला पढ़ता रहा तो एक वक्त वो आया कि कासिम हुसैन से मरने की इजाजत मांग रहे हैं। हुसैन कासिम को इजाजत नहीं दे रहे। कासिम करबला का वो शहीद है कि जिसको हुसैन ने बहुत देर में इजाजत दी है, बहुत देर में इजाजत दी है, फौरी तौर पे इजाजत नहीं दी है कासिम को हुसैन ने। कासिम आते रहे, जाते रहे, जब भाई की तहरीर मिली, जब इजाजत मिली है जनाबे कासिम को, कासिम जा रहे हैं मैदान में, और मैदान में जाने के बाद दुश्मनों को, उस जमाने के बड़े बड़े पहलवानों को वासिले जहन्नम करते हैं। लेकिन तीन दिन का भूखा प्यासा कासिम कब तक लड़ता? एक वक्त वो आया कि फौजे आदा ने मिलकर जनाबे कासिम पे हमला कर दिया। अरे कासिम ने जिंदगी में पुकारा या अम्मा अदरकनी, ऐ चचा जान मेरी खबर लीजिए। उधर से हुसैन ने जैसे ही इस आवाज को सुना, अरे कासिम कासिम कहते हुए चले गए। सुनेंगे अजीजों, आपने सुना होगा कि शोहदा की लाशों को पामाल किया गया था, लेकिन अरबाबे ऐसा जुमला अर्ज करूं, अरे कासिम करबला का वो शहीद है कि जिसको मरने के बाद, सिर्फ मरने के बाद नहीं, अरे कासिम पामाल होने वालों में वो है कि जो जिंदगी में पामाल हो गए। इसलिए कि जब कासिम ने बुलाया था ना, चचा मदद कीजिए, उधर से हुसैन और बास पढ़ के चले हैं कासिम की मदद करने के लिए। अब जो चले हैं ना, तो इधर के घोड़े उधर
आसिम के माना होते हैं तकसीम करने वाला, बांटने वाला। एक आलिम मसाइबों में एक जुमला कहा करते हैं कि कासिम वो है कि जब तक जीन पे था तो कासिम था, जब जमीन पे आ गया तो दश्ते करबला में तकसीम हो गया। हुसैन गए हैं, हुसैन कहते लाल कासिम कहाँ हो आवाज दो, कोई आवाज नहीं आती है। हुसैन कहते मैं लाल कहाँ हो आवाज दो। हुसैन फिर आखिर में कहते हैं मेरे कासिम माफ कर देना, अरे तेरे चचा खाने में दे। अल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शहदा के, कासिम माफ कर देना, आने में देर हो गई। हाँ अज़ीज़ों, अब जब हुसैन मैदान में आए हैं कासिम नजर नहीं आते। अरे हुसैन ने जब गौर करके देखा तो कासिम तो न था, कासिम की लाश के टुकड़े हुसैन ने न जाने किस दिल से करबला की जमीन पर अबा के दामन को बिछाया। ये परवा की कमाई को एक एक टुकड़ा जमा करना शुरू किया। अरे कासिम की लाश को अबा में भर के गठली की सूरत में। अज़रुकमल्लाह हार बाबे अज़ा, हुसैन ने कासिम के लाशे को अबा के दामन में बांधा। अब खैमे का रुख किया है, फरवा इंतजार कर रही है। अरे मेरे लाल का जनाजा आएगा। हुसैन जब पहुंचे हैं तो फरवा कहती है आका मेरे लाल ने कोई गलती कर दी थी जो उसका जनाजा ले। आका अब तक आप सबके जनाजे लाए हैं, क्या मेरे लाल से कोई खता हो गई जो उसका जनाजा नहीं लाए है। बस हुसैन ने अरे अबा के दामन में बंधी हुई कटली को उम्मे